तो दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपका हमारे नए चैनल ज्ञान लूप में। आशा करूंगा कि आपको ज्ञान लूप की ये फर्स्ट वीडियो पसंद आएगी। पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी नंबर वन। तो दोस्तों हमारी पूरी दुनिया में लगभग हर साल 380 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जो आज के टाइम में हमारे एनवायरनमेंट और महासागरों को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। और दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतलें बेची जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 14% ही रिसाइकिल हो पाती है। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ही टाइम पहले प्लास्टिक की बोतलों को जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के द्वारा वेनेलिन नाम के एक महंगे केमिकल में बदला है, जिसका आज के टाइम में इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा है। ये वही केमिकल होता है जो वनीला आइसक्रीम के वनीला फ्लेवर की तरह खुशबू और स्वाद को पैदा करता है। ये फर्स्ट टाइम है जब प्लास्टिक की बोतलों की रिसाइकलिंग करके इतना महंगा केमिकल बनाया गया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि रिसाइकलिंग के ये बेहतर तरीके आने वाले टाइम में प्लास्टिक की बोतलों के लिए रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे और दुनिया में बढ़ रहे प्लास्टिक के कचरे से निपटने में भी मदद मिलेगी। पर फिलहाल तो आज के टाइम में प्लास्टिक बोतलों का मटेरियल एक बार यूज होने के बाद अपनी 95% तक कीमत खो देता है। अगर आने वाले टाइम में रिसाइकलिंग की मदद से ऐसे महंगे और बेहतर केमिकल बनेंगे तो इस वेस्ट प्लास्टिक बोतल की ज्यादा कीमत मिल सकेगी। जानकारी नंबर टू। तो दोस्तों जहां मैथ कुछ लोगों के लिए एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट होता है और उन्हें इसे समझने और इससे जुड़े किसी भी सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वहीं ये कुछ लोगों के लिए किसी डरावने सत्य से कम नहीं होता। पर दोस्तों बात यहां पर हम इंसानों की नहीं होगी, बात होगी पक्षियों के एक बहुत ही खास मेंबर्स कौओं की, जिसको लेकर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और पता लगाया कि कौवे भी मैथ की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो उन्हें पता चला कि कौवे तो पैदाइशी ही मैथमेटिशियन होते हैं। इस नई स्टडी में खुलासा हुआ कि कौवे जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, यानी उन्हें पता है कि जीरो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, और वो जानते हैं कि एक से पहले जीरो आता है। दोस्तों जीरो की खोज जो कि गणितज्ञों के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं थी, और ये खालीपन दर्शाने वाला एक अंक है जिसे हम रूटीन में शामिल नहीं किया करते, इसकी खुद की भी कोई वैल्यू नहीं होती, पर अगर ये किसी दूसरे नंबर के पीछे जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू जरूर बढ़ा देता है। दोस्तों वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए कि कौओं के लिए ये जीरो नंबर क्या मायने रखता है।